prayers of every Indian citizen, cheering from them for their home. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, everyone. Jai Hind. अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें। सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर वन हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है, अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न वॉक पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाय, कैसे हैं? बड़ा है सर। राइट, प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी। हाँ, आज आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? सर, पहले मैं एथलेटिक्स करता था तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया, तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर, मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे सामने आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है और आपके माता पिता ने भी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया है, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में
आपकी क्या मदद की? सर जहाँ मुझे खुद कम